कोमल स्कूल से आ गई है और अभी हम लोग जस्ट खाना खा के उठे हैं ना, और आज दाल में नमक हो गया था ना, ज़्यादा देर तक चूल्हे में था तो गाढ़ा पूरा दाल हो गया और नमक तीखा लग रहा था। मैक्सिमम दाल बच गया है, मम्मी आ गई, सब दाल बचा हुआ है, कोई नहीं खाया। नहीं ये खुद खा के देखिए ना एक बार, तब बोलेगी। चलो इधर इधर से देना शुरू करो ना, इस साइड से। पता है क्या है? चना और वो भी है। अच्छा, और इसमें मिर्ची और धनिया पता है। थोड़ा थोड़ा दो। एलोवेरा को भी पानी का जरूरत पड़ता है, उसको बहुत कम पानी का जरूरत पड़ता है। मम्मी बोली 2 महीने से इसको पानी नहीं दिए। तुलसी पत्ता को बाद में देना। और ये तुम्हारा छोटा छोटा जो है, जगह ही नहीं है तो फूल नहीं होगा। इस अपने पौधे से पानी नहीं डाले थे ना, पूरा सूख गया। देखिए एक टोटा तो नहीं बचा। और इसमें ये वाला भी सूख गया था, हम उखाड़ दिए। अब और लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाल्टी अंदर रख दो, है ना। सारे खुश हो गए होंगे। आहा, पानी मिल गया, पानी मिल गया, पानी मिल गया ने। अब देखिए हम लोग का दरवाजे में जो मनी प्लांट है ना, वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है ना। उसको पानी देने भूल गए। नहीं नहीं दे दो प्लस। और कार की चाबी लेके आओ, तो कार 6-7 दिन से खड़ी है, तुम लोग रोज खेलती है और उसको स्टार्ट तक नहीं किए। चूहा हुआ अगर भूसा होगा ना तो भागेगा, साथ ही साथ इंजन को कुछ दिनों में स्टार्ट करना चाहिए। चाबी लेके आओ, कार के अंदर चलते हैं और कार को आज 6-7 दिनों के बाद में थोड़ा सा 10 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 6-7 दिनों से कहीं गए ही नहीं कार को लेकर। एक बार हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वो जो बैठे थे तभी खिड़की खोलने के लिए, वो तो खाली खिड़की ने खोली थी, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ था। जाओ लेके आओ चाबी, इधर से बैठ जाना, हम उधर से देख रहे हैं कितना धूल गर्दा ऊपर में पड़ा हुआ है। सो ये सब कौन लिखा है? आयुष, तुमने लिखी है क्या? CAT कैट, उसके बाद क्या है, डॉग, फॉक्स, बॉक्स। अच्छा, कोई तो लिखा है। इधर भी पूरा गंदा हो गया है। और यहाँ आगे में कोई फूल बना दिया है। किसमें? कोनट में बहुत ज्यादा धूल पड़ गया है। पानी से भी धो दिया है। हवा भी कम लग रहा है, पीछे वाला टायर में डलवाना पड़ेगा। वाह, अंदर में तो पूरा है। बंद मत करना, बंद मत करना, गर्मी है ना, गर्मी है और पूरा देख रही है ना, पूरा सीट गर्म हो गया, गैस पूरा भर गया है। नहीं 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 बंद करो। कार तो स्टार्ट हो गया है पर डैशबोर्ड से किसी तरह की आवाज आ रही है ना, इश्यू के चलते आ रही है कि क्या? हाँ, चप्पल से। चप्पल से नहीं रहे, अभी अंदर से आ रहा था ना, कर कर। नहीं अभी ना, तेरा चप्पल कर रहा है, उसके पहले कुछ देर चलने देते हैं ताकि जो इसका ऑयल सर्कुलेशन है ना पूरा इंजन में हो जाए और
चूहे वगैरह अगर बोनट में या इधर उधर होंगे तो डर के मारे भाग जाए। बीच बीच में स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ बोकारो में एक दिन इसी तरह से, उस समय ठंडा का टाइम था, तीन चार दिन खड़ी थी तो फिर स्टार्ट करने गए तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, फिर धक्का मार के स्टार्ट किए थे। यहाँ पर हो गया ना, उसको मत लगाना, वो गियर है ना, एक दिन हमेशा ऐसे मोड़ दिए। हाँ, बंद में कर सकती है, स्टार्ट में मत करना। अगर स्टार्ट में कर देगी अचानक से ना, तो हैंड ब्रेक उतना बढ़िया से इंगेज होता नहीं है, उतना काम का नहीं होता है, तो क्लच भी तो लिया हुआ नहीं रहेगा, आगे दीवार में ठुक जाएगा। सामने में दीवार है ना, यहाँ से पता चल रहा होगा कि शीशा कितना गंदा हो गया। नहीं, जिस दिन पानी खुलेगा ना उस दिन धोएंगे। हालांकि केबिन जो है ना पूरा साफ है ना। कौन वाला? हाँ, ऐसा ही होता है, हम लोग को भी लगता है प्लास्टिक कहीं सटा हुआ देखते हैं तो उखाड़ने के बाद, अब तुम ही लगता है थोड़ा थोड़ा उखाड़ी है ना। उखाड़ के फिर चिपका दिए थे। सच में पूरा थोड़े उखाड़े थे, यहाँ आधा दूर तक। नहीं उखाड़ो, कहे उखाड़ेगी, सब में स्क्रैच आने लगेगा, सोचे गंदा हो जाएगा फिर चिपका दिए। ठीक, पर उखाड़ना नहीं है ना, इतना धूल यहाँ पर है ना, कार का जो बॉडी कवर है वो भी लेके नहीं आए, पर परेशानी है ना बॉडी कवर डालने के बाद में कि चूहे आने का और चांस बढ़ जाते हैं। ये जो वहाँ है ना उसमें डालने वाला है, ये भी पूरा गर्म हो गया। हाँ, विंडशील्ड वाशर है, अपने आप मिक्स हो जाता है। हाँ, तो ये देखिए काफी दिन के बाद आज कार में बैठे हैं। कोमल लोग तो रोज आके बैठती है आयुष के साथ में ना, पूरा गर्मी देखिए इधर से आने लगा, पसीना हो गई। बहुत तेज गर्मी है, अचानक से ठंड खत्म हो गया। आज स्कूल में बहुत गर्मी लग रहा था, स्वेटर खोल लिए थे तो मैम बोल रही थी पहन लो, फिर से पंखा चलाने भी नहीं दे रही थी। चलिए इधर से घूम के आते थोड़ा। हाँ ठीक, थोड़ा सा इधर उधर घुमा भी लेते हैं ताकि जो टायर है ना वो भी कुछ रोटेशन उसका हो जाए। जिस एरिया में टायर अभी लगा हुआ है जमीन के साथ में, वो घूम फिर जाए इधर उधर, है कि नहीं, नहीं तो वहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से घुमा लेंगे सामने से। क्या इधर चले कि इधर? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। पूरा शीशा गंदा है ना, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। मोबाइल में ना साफ दिख रहा है। हाँ, वाह, मोबाइल का कैमरा तो बहुत क्या, ज्यादा गंदा नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कितना ठंडा ठंडा हवा आया। तो अभी आ गए हम लोग स्टेडियम ना। चलो तुम्हारा स्कूल दिखाते हैं क्या? हाँ। तुम दिखा देना अपना स्कूल। अरे स्कूल यहाँ से भी दिख रहा है। दिख रहा है। इधर है ना, इधर स्कूल। चलो वहाँ
मेरा स्कूल का गेट अभी भी खुला है। ये है कोमल का स्कूल क्या? हाँ। यहीं से हम लोग घुमा लेंगे और इसके स्कूल के गेट के सामने में ये जो स्टेडियम है उसका मेन गेट है ना? राजेंद्र स्टेडियम, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, राजमहल एरिया क्या? कोमल का स्कूल की तरफ से कार को घुमा के आ गए हैं तो याद हुआ कि जो राइट साइड का पिछला टायर है उसमें हवा भी कम है, तो कोमल को भेजे हैं कुछ पैसे लाने के लिए घर से ताकि इसमें हवा डलवा के आ सके। तो फिर से अभी मेन रोड की तरफ जाना होगा। अभी हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं और जो हवा वाली टंकी है वो खोजते खोजते ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर आना पड़ गया, पर यहाँ पर एक मिला है मोहनपुर जगह करके नाम है। तो यहाँ पर हाँ हवा लेना है तो यहाँ पर हवा चेक करवा लेते हैं और मिलते हैं आप लोग को बाद में। इसमें तो एकदम हवा नहीं है। लगता है कि 10.20 में हवा नहीं था। देख रही है कैसा बोल रहा अभी तो घर वापस आ गए हैं। हालांकि कार को धुलवाने का विचार था लेकिन कोमल का ट्यूशन था तो इसलिए घर वापस आ गए हैं। अब नेक्स्ट डे कभी जाएंगे तो कार को धुलवा के लाएंगे और नहीं तो पानी अगर खुलती है तो घर पर ही धो लेंगे। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।